आपको मैं मैपिंग फाइल और वो भेज इंडिया को मैंने वेरी स्मॉल हर एक दूसरे को सेवन सो ठीक कर ये पूरा वॉल इज स्मॉल हमारे टमाटर सॉस खुद के बनाई टमाटर सॉस दोनों पहले है ना बनना अच्छी तरह ग्रिल हो गए। अब इसके बाद क्या आ रहा है? अब ये है अपना वेजिटेबल सैलेड इसमें भी एक अपनी सॉस खुद की बनाई हुई है। हाँ जी वो आप भैया ने बताया था कि खुद की बनाई हुई सॉस इसमें साथ में पनीर और कॉर्न पनीर कॉर्न टमाटर प्याज और शिमला मिर्च ठीक है भैया ठीक है। इसके बाद और क्या आएगा इसमें? थोड़ा और ला देंगे थोड़ा और पनीर आएगा। ओके सर भैया बर्गर का प्राइस कितना है? इसका 80 रुपीज़ प्राइस है ठीक। बर्गर का नाम क्या है? बर्गर का पनीर बर्गर 80 रुपीज़ प्राइस है। इसमें भर भर के क्वांटिटी में पनीर आएगा वेजीज आएंगी सॉस आएंगी। अब तक हमारी टिक्की हमारी बढ़िया से तैयार होगी सर। ये खुद की मेकिंग होती है? खुद की टिक्की की खुद की मेकिंग है। कौन सी है? तभी इतनी फूलती आई अपने खुद की में। ओके कौन सी? आलू टिक्की है। आलू टिक्की है जो इतनी बढ़िया तरीके से फूल गई है। अब ये आएगी बर्गर के ऊपर। अब इसको रखेंगे बर्गर के ऊपर दोनों साइड से। दोस्तों पंजाब नहीं इसलिए बर्गर में नूडल नहीं आएंगे बट बर्गर बढ़िया बर्गर बढ़िया। अपनी खुद की सॉस तैयार की हुई है। ओके खुद की है ना सॉस तैयार की तंदूरी सॉस उसके ऊपर बर्गर के ऊपर भी आएगा थोड़ा थोड़ा पनीर मतलब बढ़िया क्वांटिटी में पनीर हो गया। ओके सर थैंक यू। अब इसको ग्रिल कर लेंगे। अब इसको दोबारा से ग्रिल होगा प्री हीटेड ग्रिलर में दोबारा से ग्रिल होगा। कितने मिनट होगा सर? ये सिर्फ 10 से 20 सेकंड 10 से 20 सेकंड होगा। ग्रिल करने के बाद दिखाते हैं। ग्रिलर हो गया बाद सीधा कॉयल में आ गया ये। और दूसरा बर्गर भी है वो भी आएगा कॉयल में और पैक होकर कस्टमर के लिए तैयार। थैंक यू सर।